झगड़िया राजपाड़ी गामना सरपंच 200 कार्यकर्ताओ साथे भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया था। झगड़िया तालुकाना राजपाड़ी ग्राम पंचायत सरपंच तेमज कांग्रेसना माजी तालुका पंचायत प्रमुख पीयूषभाई पटेले 200 जेटला कार्यकरो साथे केसरियो खेस धारण कर्यो छे। भारतीय जनता पार्टी ना सूत्र सबका साथ सबका विकास साथे आज रोज झगड़िया तालुकाना राजपाड़ी ग्राम पंचायत खाते केसरियो खेस पहेरावी आवकार्या हता। भरूच शहर अने जिल्लामां स्थानिक स्वराज्य चूंटणी पूर्ण थया बाद पण हजु पण तोड़जोड़नी नीति यथावत छे। हजु पण पक्ष पलटुओ एक पक्षमांथी बीजा पक्षमां पलटी करी रहा छे। त्यारे आज रोज झगड़िया तालुकाना राजपाड़ी ग्राम पंचायत खाते कांग्रेसना माजी झगड़िया तालुका प्रमुख साथे राजपाड़ी गामना आजूबाजूना 200 जेटला कार्यकरो साथे केसरियो केस पहेर्यो हतो। राजपाड़ी ग्राम पंचायत खाते माजी सरपंच पद्माबेन वसावा जे राजपाड़ी बैठक परथी जिल्ला पंचायतनी सीट परथी विजय मेळवी जिल्ला पंचायत कारोबारी समिति अध्यक्ष तरीके निमणूक करवामां आवी हती, जेथी राजपाड़ी ग्राम पंचायत ना डेप्यूटी सरपंच पीयूष पटेल ने पद्माबेन वसावाना स्थाने सरपंच तरीके निमणूक करवामां आव्या हता। आज रोज राजपाड़ी ग्राम पंचायत खाते झगड़िया तालुका मंत्री भूपेन्द्रसिंह राठौड़, भारतीय जनता पार्टी ना युवा आगेवान दिनेशभाई रवजीभाई वसावा, भूपतसिंह केशरोला तथा रोहितभाई शाह, विक्रमसिंह राज तथा राकेश सोलंकी जिल्ला पंचायत कारोबारी पद्माबेन वसावाने हाजरीमां झगड़िया तालुकाना माजी कांग्रेस प्रमुख ने हार पहेरावी राजपाड़ी ग्राम पंचायत ना निमणूक सरपंच बीजेपी आगेवान दिनेश रवजीभाई वसावाना हस्ते केसरियो केस पहेराव्यो हतो। तेमनी साथे राजपाड़ी गामना आजूबाजूना विस्तारना 200 जेटला नवयुवानो कार्यकर्ताओ पण केसरियो केस धारण कर्यो हतो। आ प्रसंगे पीसी पटेले जणाव्यु हतु के तालुका जिल्ला राज्य तेमज केन्द्र स्तरे भारतीय जनता पार्टीनुं शासन छे, त्यारे मने भाजपमां जोडावानुं उचित लागता, हुं भाजपमां जोडायो छुं। हुं राजपाड़ीना सर्वांगी विकास माटे हमेशा कटिबद्ध रहीश, एवी लागणी तेओए उच्चारी हती। आज रोज अमारा सरपंच श्री શ્રીમતી પદ્માબેન કે જેઓ હાલમાં જ જિલ્લા પંચાયતમાં ચૂંટાયા છે, તો તેમના વડપણ હેઠળ અને તેમના હાથે અમે મેં અને મારા લગભગ 200 કાર્યકરો સાથે આજે ભાજપ પ્રવેશ કરેલો છે અને ભગવો ધારણ કરેલો છે, અને જેનો હેતુ ફક્ત ને ફક્ત ગામનો વિકાસ છે। તો મને આશા છે કે આપ સૌ ફરી અમારા આ કાર્યમાં પર સહકાર આપીને ગામના વિકાસમાં સહભાગી થશો, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।